नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। क्या ओबीसी दांव से सपा का टाइम आएगा? क्या सपा शूद्र वाली सियासत से भाजपा को घेर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए आज हम मानस पर, शूद्र वाली सियासत पर सबसे बड़ी चर्चा करेंगे और इस बहस में सपा के सहयोगी रहे दिग्गज नेता जुड़ेंगे। हम पूछेंगे कि आखिर 2024 से पहले शूद्र वाला दांव क्यों आजमाया जा रहा है? क्या सपा के इस एजेंडे के साथ ओबीसी के नेता भी हैं? ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी भी हैं, कम से कम वो सदन में हमें बताएंगे शूद्र कौन है, उसके बाद बहस आगे बढ़ेगी। जब सत्ता में रहते हैं तब समाजवादी पार्टी को नहीं समझ में आया कि हम इसको बांट के सबको हिस्सा दें। आज भी शूद्र मानते हो? बयान है वो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है। और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए, इस प्रकार की असफल कोशिश है, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मानस पर घमासान, शूद्र पर पोस्टर वाला संग्राम। सपा की शूद्र वाली सियासत पर ओपी राजभर का प्रहार। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो सत्ता के मद में दलितों के साथ क्या किया? प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया। आज आपको जब शूद्र की बात आप करते हो, आवाज बैनर लगा रहे हो। ओबीसी की पिच पर मैं भी शूद्र वाला कार्ड। कम से कम वो सदन में हमें बताएंगे शूद्र कौन है, उसके बाद बहस आगे बढ़ेगी। पिछड़ों में 96 जातियां हैं, तो 96 जातियों में आपने याद किया किसी का कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया? किस मुंह से समाजवादी पार्टी के लोग वोट लेंगे राजभर भर का? शूद्र वाले दांव से भाजपा की घेराबंदी। क्या फिर जुड़ेंगे ओबीसी वाले संगी? जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा 2024 में, महान दल उसको समर्थन करेगा। वह सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य अब उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। मानस पर शूद्र वाली सियासत। ओबीसी दांव से सपा का टाइम आएगा। उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल सीधा सा यही है कि क्या शूद्र वाली सियासत से सपा का टाइम आएगा? सवाल करेंगे अखिलेश की शूद्र वाली सियासत पर। सबसे करारा हमला ओपी राजभर जी ने बोला है। एबीपी गंगा से बात करते हुए ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते सपा को याद नहीं आती और आज ये बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। सपा में सामान्य जाति के नेता को छोड़ देना चाहिए। यूपी में पिछड़ी जातियों में सिर्फ 12 को लाभ मिल रहा है, जिन पिछड़ी जातियों को लाभ नहीं, उनके लिए सपा ने क्या किया? ये सवाल ओपी राजभर ने पूछा है। जब सत्ता में थे तो दलितों के प्रमोशन को खत्म किया, सपा आज शूद्र वाले पोस्टर लगा रही। सुनवाते हैं आपको। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं चर्चा का। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे ओपी राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाषपा के, केशवदेव मौर्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल, सुनील साजन जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता सपा। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं अपने सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। विवेक, जिस तरीके की तस्वीर बन रही है पूरी, पहले अखिलेश यादव कहते हैं मैं शूद्र हूँ, मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि शूद्र कौन होते हैं, अब शूद्र वाले पोस्टर भी लग गए। ये अचानक से जो शूद्र वाला प्रेम जगा है मानस के बहाने, ये क्या राजनीति है और किस तरीके की सरगर्मी है लखनऊ में इस वक्त इन पोस्टर्स को लेकर? तो विवेक के पास जाएंगे, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन सवाल यही है जो पूछा जा रहा है कि मानस पर जो शूद्र वाली सियासत है ये आखिर कहां तक जाएगी? देखिए, धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची लग रही, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। तो ये पूरी तस्वीर बनी हुई है और इन सब के बीच सवाल कई हैं कि ये जो पोस्टर लगे हुए हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केशव देव मौर्य जी, ये जो सियासत ने बीते कुछ दिनों में अपना तापमान बढ़ाया है और पूरा पाला बदला है,
रामचरितमानस के बहाने जो पूरी जंग शुरू हुई वो शूद्रों पर आ गई। आज बड़े बड़े पोस्टर भी लग गए, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इस पूरी राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और एबीपी गंगा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज ये हो रहा है, मैं इसे एक रणनीतिक चाल नहीं बल्कि षड्यंत्र मानता हूँ। षड्यंत्र इसलिए मानता हूँ कि 2024 के शुरू में, 2024 के प्रारंभ में राम मंदिर का उद्घाटन होना है जी। और राम मंदिर जब उद्घाटन होगा तो समय पूरे देश में, या पूरे जब देश में चुनाव होगा जी, तो हिंदुत्व पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराना चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है महंगाई पर वो चुनाव नहीं करा सकती, रोजगार पे वो चुनाव नहीं करा सकती, विकास उसने कुछ किया नहीं है, जो विकास हुए भी हैं वो सड़क पर कागज पे हुए हैं, कहीं जमीन धरातल पर विकास नहीं हुए, और जो सड़कें बनी हैं उनकी गुणवत्ता इतनी कमजोर है कि उस आधार पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत अपने ही एक व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं उन्हें भाजपा का मानता हूँ, समाजवादी पार्टी का नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी को उनको आदमी मानता हूँ, उन्होंने रणनीति के तहत धर्म का राग शुरू किया। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब एक मिनट अवधेश जी, जब आगरा में कुशवाहा बेटी के साथ बलात्कार हुआ, योगी जी की बिरादरी ने किया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहाँ सो रहे थे? जब पूरे उत्तर प्रदेश में शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ तमाम जघन्य घटनाएं हुई, रामकुमार मौर्य को पीट पीट कर पुलिस ने मार डाला, ललितपुर के देवेंद्र कुशवाहा को पुलिस पीट पीट कर मार डालती है, करमवीर शाक्य को कासगंज में दबंगों ने चाकू मारा, तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहाँ सो रहे थे? तब एक शब्द इनके मुंह से क्यों नहीं निकला? आज ये प्लानिंग करके धर्म के मुद्दे पर ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर जीतना चाहती है। और आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन केशवदेव मौर्य जी, आपने अखिलेश जी के साथ गठबंधन बनाया था, आपने काम भी किया, लेकिन ये बताइए कि क्या अखिलेश यादव जी इतने सियासी तौर से अदूरदर्शी हैं कि वो बीजेपी के प्लांटेड व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं पार्टी में अपने, और उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का ही? मैंने एक बार नहीं कई बार इस बयान को दिया है कि अखिलेश यादव जी ना जाने क्यों, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, वो ऐसे लोगों को अपने पास रखे हुए हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। हम करें एक बात आप बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस बयान करने की बात की, हम लोग भी, हम बहुत दिन से, जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, मैंने एक आपके ही चैनल पे एक डिबेट में आपके साथ कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य ये बात कह दें कि अयोध्या में भगवान, मैंने उस समय कहा था कि मैं भगवान राम का बेहद सम्मान करता हूँ, मैं भगवान राम को अयोध्या में अस्तित्व पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं एक सवाल उठा रहा हूँ कि भगवान राम के अयोध्या में जब खुदाई हुई जन्मभूमि की, तो उसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ निकली, उसे बीजेपी सरकार ने तोड़ दिया, क्या उस समय केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में दही जमा था? क्यों नहीं बोले स्वामी प्रसाद मौर्य? जब मैंने ललकारा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह दें कि मैं गलत बोल रहा हूं कि वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं निकली, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं आज भी फिर से कह रहा हूं कि मैं राजनीति बंद कर दूंगा, महान दल बंद कर दूंगा और स्वामी प्रसाद मौर्य घर गुलामी करूंगा, वो पहले ये सब सवाल छोड़कर, पहले जो अन्याय अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को असल में जिनका जिनकी आवाज उठानी चाहिए थी वो ना उठाकर वो बरगलाने का काम कर रहे हैं, मोहरा बन गए भारतीय जनता पार्टी। केशव जी आएंगे आपके पास, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक भी जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके की पूरी राजनीति हो रही है, केशव जी कह रहे हैं कि ये प्लांटेड व्यक्ति हैं स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के, और वो धर्म के मुहाने पर ले जाना चाहते हैं, उनको उस समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता जिस समाज की बात कर रही है, जो पोस्टर लग गए हैं, लेकिन पोस्टर की सरगर्मी कितनी है लखनऊ में कि गर्व से कहो मैं शूद्र हूं? क्या पूरी ये रणनीति जा रही है 2024 के लिए? विवेक, देखिए अवधेश, तीसरा पोस्टर है ये जो समाजवादी पार्टी के बाहर चर्चा का विषय बना है। आपको याद होगा
सबसे पहले नीतीश और अखिलेश का एक पोस्टर लगा था, वो चर्चा का विषय था। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की एंट्री समाजवादी पार्टी कार्यालय में बंद है, वो पोस्टर लगाया गया था। और ये तीसरा पोस्टर अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान के बाद कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, हमारे ठीक पीछे है। और सबसे खास बात यह है कि दूसरा पोस्टर जो ओम प्रकाश राजभर का था, जिसमें उनको कार्यालय में प्रवेश करने से प्रतिबंधित लिखा गया था, उस पर अखिलेश यादव बड़े नाराज थे और उन्होंने पोस्टर हटवाया था। बाकायदा जो पार्टी के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि उस पोस्टर से नाराज है, लेकिन ये पोस्टर अभी तक लगा हुआ है, सजा हुआ है। 6743 जातियां, शूद्र समाज, जय शूद्र समाज, जय संविधान लिखा है। और जो उत्तम प्रकाश सिंह पटेल हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे शूद्र भी लगा लिया है। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश से ये आग जो शूद्र वाली उठी है वो दिल्ली गई और दिल्ली से आगे मुंबई, महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। सरगर्मियां बहुत हैं इस पोस्टर को लेकर, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चूंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी के लिए भी और बाकी दलों के लिए भी। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अटैक कर रही है कि उनका वोट बैंक छीनने की, हालांकि उनका वोट बैंक बहुत पहले से ही ये जा चुका था, भाजपा के खाते में चला गया था। देखिए, अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई विकल्प होता नहीं था देश में, पूरे देश में 85% जो समूह है जातियों का, 6743 जातियों का एक समूह है, उसको कहा जाता है कि पूरे देश में 85% है। और यही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 85 बनाम 15 की लड़ाई होगी, ये कहा था उन्होंने। और इस बयान के पीछे, इस पोस्टर के पीछे वही स्वामी प्रसाद का जो रास्ता दिख रहा है अगले 2024 की, जो आपने बात कही कि 2024 में अखिलेश के पास यही एक रास्ता दिख रहा है, लेकिन ये रास्ता कितना प्रभावी होगा, क्या बिल्कुल कितना प्रभावी होगा, ये सवाल है। क्योंकि जो यही केशव देव मौर्य जी की बात करें, ओपी राजभर की बात करें, जो तमाम लोग अलग अलग वर्गों के लिए, उनके हितों के लिए लड़ रहे हैं, कि उनका भी जो उनकी जो सोच है, उनके जो बयान है, बड़े मायने रखेंगे। क्योंकि अखिलेश अकेले अगर कह दे कि मैं ही सबको साध रहा हूं, तो ये संभव नहीं है, सभी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। केशवदेव मौर्य जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूं और योगी जी से पूछूंगा कि शूद्र कौन है, आप ये बताइए। लेकिन जो शूद्रों पर गर्व की बात कही जा रही है, उसके जरिए राजनीति को साधने की बात कही जा रही है, 85-15 का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। आप सभी लोग राजनीति करते हैं, जो वंचित वर्ग है उसको उठाने का काम करते हैं, लेकिन आज जो अखिलेश यादव ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं कि मैं शूद्र हूं, क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इतना काम किया कि वो आज डंके की चोट पर कह सकें कि मुझे गर्व है? क्या शूद्र समाज गर्व करता है उन पर जिनके नाम पर राजनीति हो रही? अवधेश जी, सवाल इस बात का नहीं है, जिस रास्ते पर अखिलेश जी जा रहे हैं, मैंने कल भी कहा कि बिल्कुल गलत रास्ता है। 1585 की जो लड़ाई बहुत पुरानी हो चुकी है, 1585 उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियाँ हैं। क्या समाजवादी पार्टी बनने के बाद क्या पूरी तरह से मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा को वही सम्मान मिला जो यादव समाज को मिला? बिल्कुल नहीं। क्या राजभर को सम्मान मिला? बिल्कुल नहीं मिला। क्या उतनी नौकरी जितना यादव को मिली, क्या उतना पाल प्रजापति कश्यप को मिली? नहीं मिली। तो वो आपके, आपको एक तरफा नेता नहीं मानेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश जी को सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अवधेश जी जातियों को, जातियों से नेता बनाकर देख लिया, उन्होंने गठबंधन किया, उन्होंने पटेल वोट लेने के लिए अनुप्रिया पटेल से गठबंधन किया, उनको मंत्री बनाया, उनके पति को भी मंत्री बनाया और उनके पार्टी को बहुत से पदाधिकारियों को सरकार में समायोजित किया जी। संजय निषाद से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया और संजय निषाद के बेटे को सांसद बनाया, संजय निषाद को मंत्री बनाया, उनके छोटे बेटे को विधायक बनाया और कई पदाधिकारियों को और भी एडजस्ट किया, सम्मान दिया। वही राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन किया, उनको भी सम्मान दिया, उनको भी मंत्री बनाया। हम ये जो जितने छोटे दल के लोग हैं, इन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, उसमें मैं भी हूँ, केशवदेव मौर्य, मुझे भी हाँ इतना है कि हम वैचारिक रूप से समाजवादी पार्टी और बसपा से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि दलित पिछड़ों के लिए आवाज उठाने वाला कोई हो। भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई अदावत नहीं। बिल्कुल। तो क्या केशव जी, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति वो अच्छी है कि अगर वो अनुप्रिया पटेल से करते हैं गठबंधन तो उनको सम्मान देते हैं मंत्रिमंडल में, राजभर जी को देते हैं, निषाद जी को देते हैं, तो क्या 2024 के जो गणित है उसमें आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो क्या आप भाजपा के साथ भी जा सकते हैं अगर शर्तें आपकी मानी गई और शूद्र समाज या फिर आप जिस समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं उनको सम्मान देने की बात कही गई तो? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैंने कहा कि मेरी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से है कि
कि आगरा में कुशवाहा बेटी के साथ बलात्कार होता है और योगी जी की बिरादरी के ऊपर आरोप लगता है, कोई कार्रवाई नहीं, ना बुलडोजर चलता है और ना मुकदमा दर्ज होता है। तो अगर ये जाति बिरादरी वाली बात अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो दलित पिछड़ों को वोट लेकर सबसे ज्यादा अगर वोट उत्तर प्रदेश में किसी का है तो शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज का है, करीब 14% के ऊपर वोट है। और इतना बड़ा वोट बैंक पहले बसपा में था तो बसपा की सरकार बनती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ये वोट है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अखिलेश जी मायावती रोक नहीं पा रहे हैं और सरकार बन रही है जी। लेकिन जिससे हम वोट लेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी वोट लेगी, उसी की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेगी और न्याय भी नहीं देगी, ये नहीं चल सकता। इसलिए केशवदेव मौर्य भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है और करता रहेगा। और रही शूद्र की बात, अखिलेश यादव शूद्र ना कहें अपने आप को, अपने आप को नहीं कहना चाहिए अखिलेश जी को शूद्र। अभी नेताजी के निधन पे अखिलेश जी गरुड़ पुराण सुन रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भगवान नहीं मानेंगे, हम पाखंड को नहीं मानेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं मन मंदिर में होता है, मंदिर में तो लोग रहते हैं जो पैसे चढ़वाते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं कि मैं शूद्र हूं, वो गलत हैं? नहीं, अखिलेश यादव दो नाव पे चढ़ रहे हैं, एक तरफ वो कट्टर हिंदू बने रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो अपने आप को शूद्र भी कह रहे हैं। ठीक है केशव जी, आएंगे इस बात को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, विवेक भी हमारे साथ बने, विस्तार से इस पर भी बात करेंगे कि जो दो नाव की सवारी है 2024 के लिए किस तरीके की सवारी साबित होगी अखिलेश के लिए, और केशवदेव मौर्य और जो तमाम ऐसे दल हैं जो जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी क्या भूमिका होगी। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। विवेक, ये बताएं कि जो बात अभी केशवदेव मौर्य जी कह रहे थे कि अगर अखिलेश यादव ये कहेंगे कि मैं शूद्र हूं, उनके लोग कहेंगे कि मुझे गर्व है कि मैं शूद्र हूं, तब उन्हें जवाब देना पड़ जाएगा कि क्या वो बाबा साहब के सिद्धांत पर चल पा रहे हैं या फिर वो सीएम रहते क्या किया उन्होंने शूद्रों के लिए कि आज वो शूद्रों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अवधेश, ये सवाल सभी का है, चाहे वो केशवदेव मौर्या हो, केशव प्रसाद मौर्या हो, या फिर जो ओपी राजभर हैं, वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब क्या देंगे वो, जब उनकी सरकार थी तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ 12 जातियां, वो पिछड़ी जातियां, उनके लिए काम किया, बाकी सारी जातियों को भूल गए, मुसलमानों को भूल गए, तो अब वो क्या जवाब देंगे जब वो सदन में कहेंगे कि मैं शूद्र हूँ। मुख्यमंत्री जी सवाल जवाब करेंगे वहाँ सदन में, मुख्यमंत्री से पूछेंगे, तब ओम प्रकाश राजभर भी खड़े होकर उनसे सवाल करेंगे। बिल्कुल सब कर रहे हैं विवेक, वक्त कम है, तो एक छोटा रिएक्शन केशव जी का लेना चाहते हैं हम। केशव जी, आखिरी सवाल आपसे है कि जो पूरा ये घटनाक्रम चल रहा है, इसमें जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, क्या वो सही था, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरी राजनीति के बीच? देखिए, सही बात तो यह है कि धार्मिक भावनाओं पर किसी को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। कुरान में भी बहुत सी, अगर हम अपने चश्मे से देखें तो कुरान में भी बहुत सी कमियां होंगी, ईसाइयों के धर्म में भी हमारे हिसाब से बहुत सी कमियां होंगी, रामचरितमानस में कमियां हैं, हिंदू धर्म में बहुत सी कमियां हैं। इन्हीं कमियों को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो क्या अखिलेश यादव जी बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहे हैं? एक तरफ वो कट्टर हिंदू बनते हैं और एक तरफ वो भगवान राम की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले, तो बाबा साहब को मानने वाली बहन जी हैं वो किसी धार्मिक आयोजन में नहीं जानती, केशवदेव मौर्य किसी मंदिर में नहीं जाता, बाबा साहब डॉक्टर को अंबेडकर को मानने वाली बहन जी हैं वो किसी मंदिर में नहीं जाती। तो या तो अखिलेश यादव धर्म के पिच पे अगर खेलेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव जी का है, ठीक है। वो पिछड़ों के जाति जनगणना पर उनका बहुत अच्छा मुद्दा था, आरक्षण पर उनका मुद्दा, बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर वो हर नाव पर सवारी करना चाहते हैं और ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। शुक्रिया केशव जी, आप हमारे साथ जुड़े, विवेक आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी राजनीतिक परिस्थिति बताने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है उत्तर मांग रहा है प्रदेश की, आगे ये राजनीति कहां तक जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।